द वॉज दिस वन एपिसोड ऑफ ब्लैक मिररर जिसमें इफ यू मेट सम वन यू इंटरेक्टेड विद दैम आपको कोई देखता था आप उनको देखते थे एवरी वन वूड रेट इच अदर और फिर हर इंसान की रेटिंग ऐसे डेवलप होती थी एंड देन अकॉर्डिंग टू द रेटिंग यू वुड लिव अ सिमिलर लाइफ स्टाइल दैट एपिसोड कांड ऑफ एंड विद पीपल रियलाइजिंग कि इट इज लिटरीली द वर्स्ट वे टू लिव बट सब बोलते हैं ना कि वो ब्लैक मिररर इज डिस्टोपिया एंड एवरी थिंग बट वी आर लिविंग दैट लाइफ राइट नाउ हाई आई एम प्रत्यक्षा एंड यू आर वॉचिंग माई रिव्यू ऑफ जिगाटो zwigato directed by nandita das is the story of one man manas who used to work as a factory as a manager Per factory mein sare jobs chale gaye, and he is one of the few lucky ones who has managed to land another job and his job is as a food delivery worker so he works for a company called Zvigato. his family essentially consists of his wife pratima played by shahana goswami and his two kids and his uh, sick mother अब फिल्म में क्या होता है कि वी सी जस्ट दिस मैन ही गोज़ टू वर्क एवरी डे एंड वी सी कि उसके हर दिन का काम जाता कैसे एंड इन दैट इट हैज काइंड ऑफ डेव्ड इन टू द इशूज दैट फूड डिलीवरी वर्कर्स फेस एवरी डे ऑन वन हैंड दैस की ओ द कस्टमर्स कम्पलेन सिं द कस्टमर्स ऑलवेज राइट उनकी आईडीज ब्लॉक हो जाती है या पेट्रोल के प्राइस बढ़े जा रहे हैं पर उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही एंड देन इज ऑल्सो द फैक्ट दैट दे कॉन्ट कंप्लेन एट ऑल क्योंकि देर सो मच कॉम्पिटिशन की उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है इन द फिल्म फ्मो शोज कि आप छोड़ के जाओगे तो दस और लोग खड़े हैं The film's best work, the best work comes from Shahana Goswami. Her acting is brilliant and at some point Shahana vanishes and is just Pratima on the screen. But Isme Ekor ye hai ki the other lead actor, Kapil Sharma, who plays Manas, kind of gets overshadowed at times. कपिल शर्मा एज एक्टर इज नॉट दैट बैड मतलब वो एक्टर इतना बुरा नहीं है बट द प्रॉब्लम इज की वी डोंट गेट टू सी अलॉट टू हिज कैरेक्टर वो एक्टिंग ऐसे डायलॉग्स बोल देता है द सीज द परफेक्ट ही लुक्स फिट फॉर द रोल एंड एवरी थिंग बट वी डोंट गेट एनी अदर लेयर्स टू हिज कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हिस् परफॉर्मेंस जो शाहाना के केस में होता है बट स्टिल बेस्ट ऑन एवरीथिंग दैट कपिल शर्मा हेज डन बिफोर दिस इज अ प्रटी डिसेंट एफर्ट ऑन हिज पार्ट नंदिता दास एंड समीर पाटिल हैव रिटन द स्क्रीन प्ले फॉर्ज वे गा टू एंड दे फाइंड अ वे टू इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट एक्सप्लॉयटिंग दर ओन सब्जेक्ट्स क्योंकि इन द फिल्म इन्ज वे गाट टू इट इज जस्ट दैट मानस और प्रतिमा अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं बट द सोसाइटी मेक्स इट वेरी वेरी टफ

जब फिल्में एक शहर में सेट होती है ना तो एवरी वन अराउंड एवरीबडी इज जस्ट स्पीकिंग इन हिंदी एंड दैट टेक्स अवे फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फिल्म अ लॉट एंड इज़ वेरी नाइस टू सी कि वेगाटो में ऐसा नहीं होता द फिल्म इज वेरी ऑनेस्ट एंड इट्स शोइंग यू रियल पीपल इन द लैंग्वेज दैट दे स्पीकिनदर गुड थिंग इज दैट स्क्रीन प्ले में दे हैव मैनेज टू इंक्लूड पॉलिटिकल डिसेंट हाउ नॉर्मलाइज डिस्क्रिमिनेशन इज एंड ऑल्सो कास्ट डिविजन हाउ प्रिवलेज में ही इतने सारे लेयर्स होते हैं जैसे कि वैन प्रतिमा एंटर्स दिस वेरी फैंसी बिल्डिंग शी हैज़ टू यूज अ डिफरेंट लिफ्ट एंड समॉन हर टू यूज अ डिफरेंट लिफ्ट ऑन द अदर हैंड कपिल शर्मा कैरेक्टर कांट यूज़ अ लिफ्ट एट ऑल क्योंकि फूड डिलीवरी वर्कर्स को लिफ्ट यूज़ करना अलाउड नहीं है एंड दिस इज समथिंग दैट वी सी अराउंड अस ऑल द टाइम The good thing is that the film never forces the audience to feel anything. Film, mm -hmm. the filmmaker is saying, "Oh, you have to feel this way about so and so scene." It is just a calm story. It is just a story that is being told through a very, very Calm and honest lens in Swigato. Director Nandita Das has somehow found the pulse of the story that she's trying to tell. Even though Manas and Pratima are main characters of the film, when you're watching it, you notice that they have kind of been put in the background by how the elite behaves around them, and that is such an intricate thing to have in the film within the story. Nandita Das, as is her. जीनियस ऑल्सो एक्सप्लोज जेंडर इम्बैलेंस प्रतिमा काम करना चाहती है और मानस को पता है कि प्रतिमा अगर काम करेगी इट विल ओनली बी गुड फॉर देम बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड मीट बट फिर भी ऐसे बीवी को काम करने देना है समथिंग दैट ही इज नॉट ओके विथ इट इज ऑल्सो रिफ्रेशिंग टू सी दैट द पीपल इन द फिल्म इट्सल्फ आर ऑल गिविन enough to fulfill their roles. and i'm talking primarily about manas and pratima and even the kids who play the roles. so all of it really comes together very beautifully in the story that is being told. the best thing about zvegato is how honest it is and how authentic the story is. just seeing the film will be a great experience for you and also what a brilliant way to put their message across. and that is why my rating for zvegato is 3.5 stars out of five.